नमस्कार, बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। समस्तीपुर में भाकपा माले विधायक दल के नेता सह कटिहार के बलरामपुर विधायक महबूब आलम एवं पोटिल ब्यूरो सदस्य सह मिथिलांचल प्रभारी धीरेंद्र झा ने रविवार को मुसरी घराड़ी के रुपौली पहुंचकर मृतक मोहम्मद खलील रिजवी के भाई मोहम्मद सितारे, पिता मोहम्मद अयूब समेत अन्य परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना देते हुए सड़क से सदन तक संघर्ष के जरिए न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। पुनः वे कल्याणपुर के वासुदेवपुर स्थित खलील रिजवी हत्या स्थल पर पहुंचकर जगह का मुआयना के साथ बगलगीर से पूछताछ कर आवश्यक जानकारी इकट्ठा किया। तत्पश्चात महबूब आलम ने समस्तीपुर जिला मुख्यालय स्थित सर्किट हाउस पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि 16 फरवरी को आरएसएस के गुंडे खलील रिजवी को अपहरण कर ले जाते हैं। परिजनों के शिकायत पर 17 फरवरी को उनका अधजला शरीर को यूरिया नमक डालकर दफनाया गया गड्ढा से निकाला जाता है। अब भी उनकी मोटरसाइकिल गायब है। मुसरी घराड़ी थाना क्षेत्र में 29/2022 मुकदमा दर्ज किया जाता है। आंदोलन के जवाब में पुलिस 4 आरोपियों को गिरफ्तार की है, अन्य आरोपी फरार हैं। सोशल साइट्स खंगालने एवं जमीनी जानकारी के अनुसार सभी आरोपी आरएसएस के अनुषांगिक संगठनों से जुड़े हैं। सरकार के इशारे पर समस्तीपुर जिला प्रशासन घटना को भटकाने की कोशिश में लगी है, जबकि खलील रिजवी जदयू के सक्रिय कार्यकर्ता थे। भाकपा माले इस घटना की निंदा करते हुए तमाम आरोपियों की गिरफ्तारी करने, एसपीडी ट्रायल के माध्यम से सजा दिलाने, मृतक के परिजनों को 20 लाख रुपये मुआवजा एवं एक सदस्य को नौकरी देने की मांग सरकार से की। मौके पर माले जिला सचिव प्रोफेसर उमेश कुमार, जिला कमेटी सदस्य आसिफ होदा, वंदना सिंह, फूल बाबू सिंह, सुरेंद्र प्रसाद सिंह, राम कुमार, दिनेश कुमार, अमित कुमार, सुखलाल यादव आदि मौजूद थे। धन्यवाद। और अपराधियों की पुलिस के साथ दोस्ती है, शराब माफियाओं के साथ पुलिस के साथ दोस्ती है। और 1 किलोमीटर दूर चौपर से उतर के एक मैंने आपको शराब की एक बोतल को कहां चिन्हित करेंगे, तो ये तो एक हास्यास्पद स्थिति है। बिहार विधानसभा के सदन के परिसर के अंदर में शराब की बोतल पाई गई, क्या जांच पड़ताल में निकला? हम लोग इस मांग को उठाएंगे, जवाब देना होगा अध्यक्ष महोदय को। और अध्यक्ष की आड़ में जो बिहार विधानसभा में जोरदार ढंग से हमारी आवाज को दबाई गई, आने वाला दिन में ये नहीं होगा। और इसी को हम लोग दोहरा करने के लिए समस्तीपुर की जनता से हम लोग निवेदन करेंगे कि आप भी हमारे साथ रहिए और हमारी पार्टी, हमारा जो संगठन है, हम लोग एक जोरदार ढंग से आवाज बुलंद करेंगे। और सड़कों पर भी ये आंदोलन शुरू होगा। हम लोग कल विधानसभा के सदन से हम राज्यपाल के पास भी हम लोग मार्च करेंगे कि एंटी मॉब लिंचिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी एक्ट बनाया जाए, जिससे अनुसूचित जाति जनजाति कानून है और पूरा इस देश को नहीं, बिहार ने इससे पहले भी पूरे आंदोलन का नेतृत्व किया है। 1857 का आंदोलन का और आजादी का आंदोलन का नेतृत्व बिहार ने किया है और निश्चित रूप से बिहार आने वाला दिन में भी नेतृत्व करेगा। और उसका नेतृत्व जो क्रांतिकारी जनवादी जो ताकतें हैं बिहार की, जो शांतिकामी ताकतें हैं, जो बिहार का जो धरोहर है, जो जनता है, ये जनता करेगी। हमें अच्छा, अब बिहार में बेहतर कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं कि उसको विधानसभा में उठाया गया, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ही जो है सरकार के कानून व्यवस्था पे सवाल खड़े कर रहे हैं, तो ऐसे में लग रहा है कि जो जो आपकी मांगे हैं उस पर कुछ सकारात्मक, कुछ हमारी मांग में सकारात्मक रवैया वो अपनाते हैं या नहीं अपनाते, ये सवाल नहीं। सवाल है कि उस दिशा में हम जा रहे हैं। चंपारण मूवमेंट को आपने देखा और छात्र आंदोलन को बिहार में आपने देखा, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष खुद ही प्रशासन की जो कार्यकारिणी का सवाल उठा रहे हैं, ऐसे में कितना बिहार विधानसभा के अध्यक्ष ने जो पुलिस को पटकार लगाया, जो वीडियो वायरल हुआ, कि ये तो एक पॉपुलर स्टंट है उसका। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष की निगरानी में ही बिहार विधानसभा के अंदर विधायकों को पिटाई हो गई और विधायक से मुक्त जब सदन हो गया तो पुलिस की मौजूदगी में ही वो पुलिस स्पेशल आर्म्स फोर्स एक्ट जो है पास किया गया। किसी भी हालत में सदन के अंदर पुलिस उपस्थिति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, पुलिस नहीं।
किसी भी गैर जिम्मेदार आदमी को वहाँ उपस्थित नहीं होना चाहिए। तो ये तो कानून व्यवस्था ही नहीं, तरफ की राजनीति का, उन्माद की राजनीति का एक बड़ा अड्डा बनाना चाहता है और बहुत सारे संगठन और बहुत सारे व्यक्तियों को इस काम में लगाया गया है और इसको बड़े स्तर पर पटना से लेकर के दिल्ली तक के आरएसएस बीजेपी के नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। हम बिहार सरकार से मांग करते हैं, नीतीश कुमार जी से मांग करते हैं कि ये जो सांप्रदायिक उन्मादी संगठन है, उनके जो व्यक्ति हैं, उनके जो अपराधी हैं, उनके क्रियाकलापों को लेकर के बिहार सरकार एक व्हाइट पेपर जनता के बीच में सामने लाए, उसके नेटवर्क को लेकर के, उसके फंक्शनिंग को लेकर के, उसके अपराध को लेकर के और इस बात को लेकर के हमारी पार्टी समस्तीपुर जिला में एक बड़ा अभियान चलाएगी और जो भी अपराधी अभी पकड़े गए हैं उसका एक इमीडिएट स्पीडी ट्रायल हो, क्योंकि ये जघन्य अपराध है, पूरा समस्तीपुर शर्मसार है। हम लोग पूरा वासदेवपुर के इलाके में गए थे अभी, जहां पर वो लाश मिला है और कैसी हरकतें इन लोगों की रही है, पूरा वहां के जो ततमा समुदाय के लोग हैं, सहनी समुदाय के लोग हैं, उन लोगों ने बताया कि दिन में इन लोगों का आतंक का राज चलता था ये गंडक नदी के किनारे गाछी में, और वो जो ये मुर्गा फार्म नहीं है, वो बेसिकली कत्लगाह का फार्म है, वहां अपराध का ही खेती होता था और इस तरह से सांप्रदायिक उन्मादी संगठनों का वहां बैठक होती थी और वहां लोगों को कैसे हम ट्रैप करेंगे, कैसे लोगों का हम मोबिलाइजिंग करेंगे, इसकी योजना बनती थी। तो ये एक बड़ा सवाल है, इस सवाल को लेकर के हमारी पार्टी ने यहाँ तय किया है कि सांप्रदायिक उन्मादी संगठनों का अड्डा हम समस्तीपुर को, मिथिलांचल को नहीं बनने देंगे और सांप्रदायिक संगठनों को लेकर के एक बड़ा अभियान हमारी पार्टी चलाएगी। बिहार विधानसभा के भीतर भी हमारी पार्टी के विधायक लोग चला रहे हैं, कल राज्यपाल भवन के सामने मार्च है और सदन में भी और सदन से बाहर सड़क पर भी हम सांप्रदायिकता के खिलाफ एक बड़े मुहिम में उतरेंगे और ऐसे संगठनों को बिहार में हम पलने पड़ने नहीं देंगे। नीतीश कुमार उनके सामने नतमस्तक हो गए हैं, नीतीश कुमार उनके सामने सरेंडर कर चुके हैं। ये जो नीतीश कुमार का खेल है इसको बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। इन सवालों को लेकर के एक बड़े आंदोलन में हमारी पार्टी जाएगी।